रैना की किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल। ये देखिए, ये कटहल है जो हमने छील कर काट कर रख ली है, पहले धो कर भी रख ली है। ये कढ़ैया में तेल रख दिया गरम करने। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, जब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये प्याज काट के डाल दे रही हूँ, 5-6 प्याज ले रही हूँ, क्योंकि कटहल में थोड़ी प्याज ज़्यादा लगती है। एक चम्मच मिर्ची, दो चम्मच धनिया पिसा हुआ, लहसुन अदरक छिला हुआ। पानी डाल देते हैं इसमें थोड़ा, इससे हमारा मसाला पिस जाएगा। जब तक मसाला पिसने गया, जब तक ना तेल गरम कर लेते हैं। ये कढ़ैया में तेल गरम हो चुका है हमारा, इसमें डाल देंगे कटहल कटा हुआ। हमें कटहल फ्राई करना है। ये कटहल सिक रहा है, ये सिक चुका है कटहल हमारा। इसको निकाल लेते हैं बर्तन में, क्योंकि खस्से के हुए कटहल से स्वाद अच्छा आता है, अच्छा कटहल लगता है, सब्जी अच्छी लगती है कटहल की। कभी भी अभी तेजपात के पत्ते डाल दिए, जो हमने प्याज बाकी रखी हुई थी कटी हुई, वो सेकने के लिए रख दिए। इसको थोड़ा सेक लेंगे प्याज को। अब इसमें मसाला डाल देंगे, जो हमने मसाला पीस कर रख लिया है पहले ही। अब इसको डाल देंगे प्याज के अंदर, अच्छी तरह से चला लेंगे इसको मसाले को। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे जो मसाला लगा। ये हमारा मसाला भुज चुका, ये टमाटर हरी मिर्ची जो हमने काट कर रख ली थी वो ऐड कर देंगे। कटहल मिला दिए इसमें मसाले में, हमने सिका हुआ कटहल रखा था हमारा। ये हमारा कटहल कितना अच्छा हो गया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसको शेयर भी करना।
इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमें ना कटहल को जब सेकते हैं ना तेल के अंदर, उसी समय कटहल गल जाता है। तो हमारा कटहल तैयार, देखिए हम काट के देख रहे हैं, इसको गल गल चुका है हमारा कटहल। अब इसको निकाल लेंगे। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ये देखिए हो गया कटहल हमारा तैयार।